हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और आज हम बताने वाले हैं इस तरह का जो हम जीन्स नीचे से कटिंग करके फेंक देते हैं दोस्तों, उसका किस तरह से हम रीयूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चा का हाफ पैंट बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही सुंदर बनता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम इसको करके बताएं। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और एक लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों। इस तरह से हम इसको यहाँ माफी करेंगे 5.5 इंच और दाग लगा देंगे, और यहाँ से 2 इंच में हम 1.5 इंच में हम माफी करेंगे दोस्तों। 1.5 इंच उधर और 1.5 इंच इधर, यहाँ 3 इंच, और इसको बिल्कुल इस तरह से कटिंग कर लेंगे लाइनिंग करके। इस तरह से बिल्कुल यहाँ गोलाई का शेप दे देंगे दोस्तों। इस तरह बिल्कुल गोल हम कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग हो चुका है दोस्तों। आइए हम इसका स्टिचिंग करके दिखाते हैं किस तरह से ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर हाफ पैंट 2 साल तक का बच्चा का बनेगा। इस तरह से हमारा कटिंग हो चुका है दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा है। इस तरह से हम इसको मिलाएंगे इस तरह बिल्कुल, और पहले सामने का जो हम फ्रंट बना रहे हैं उसे बंद कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल, ये जोड़ को बराबर में रखेंगे दोस्तों इस तरह से, और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर करके इस तरह से ये हमारा बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा बंद हो चुका है। सिर्फ सामने का, पीछे का भी बंद नहीं किए हैं दोस्तों। और हम एक 3 इंच का ये देख सकते हैं, हम कपड़ा लिए हैं बिल्कुल, और इसको इस तरह से पहले मोड़ेंगे, और यहाँ से इसका हम ज्वाइंट लगा लेंगे दोस्तों बिल्कुल इस तरह से। ये ओवर भाग को हम कट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ इस तरह पलटेंगे दोस्तों, और एक सिलाई हम ऊपर से लगा लेंगे। किस तरह का ये पैंट बनता है वीडियो में बने रहिए, आप देख पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। इलास्टिक डालने के लिए सिलाई हम करने जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 1 इंच का हम इलास्टिक डालेंगे, तो 1 इंच से थोड़ा सा हम 2 सूत बढ़ा के हम सिलाई लगाएंगे दोस्तों इस तरह से। अगर आप चौड़ा इलास्टिक डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा और चौड़ा छोड़ के और सिलाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हम सिलाई लगा चुके हैं। अब हम इसका अंदर इलास्टिक डालेंगे दोस्तों। इस तरह से हम इलास्टिक इसमें डालेंगे दोस्तों। इस तरह से आप इलास्टिक डाल सकते हैं बिल्कुल किसी भी पैंट में। यहाँ से फिर सिलाई लगाना है। इस तरह से हम इसको खींच के सिलाई लगाएंगे दोस्तों। इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे हम। और एक सिलाई और लगा लेंगे हम इसके ऊपर में। ओवर भाग इलास्टिक को कट कर लेते हैं इस तरह से, और इसको अभी हम पलट लेंगे दोस्तों। फिर इस तरह से हम बराबर करेंगे बिल्कुल, और इसका सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से ये हमारा
बिल्कुल बन चुका है। अब इसमें हम एक सिलाई और पर्स लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको पलट के दिखाते हैं दोस्तों किस तरह से ये दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में और आसानी के साथ बन गया स्टाइलिश ये पैंट। तो आज के वीडियो में बस इतना दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय दोस्तों।